सबको हो गया चले अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमने ट्यूसडे को हमने आयत सुरहदा की आया नंबर वन जीरो फोर तक हंड्रेड एंड फोर तक खत्म किया था इनशाला आज हम आया नंबर एक सौ पांच वन जीरो फाइव से स्टार्ट करेंगे सुरह माह की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस नेक्स्ट वीक में हम सुरह माह खत्म कर लेंगे जो कि मेरा टारगेट था अल्लाह करे कि हम खत खत्म कर पाए इंशाल्लाह रमजान से पहले चले तो फर्स्ट आयत है आया नंबर वन ओ फाइव अबूज बिल्ला शैतानजीम बिस्मिल्लाम या अयोहल्लना आ मनु अलकुम अन फुसकुम ला या दो मन बल्ला मन बल्ला इजन तदई

अपनी जानों की हिफाजत करनी अपनी जिम्मेदारी करनी तो ए लोगो जो सो अगेन ओ यू ओ यू दो लिख लें गार्डिंग योर सेल्फ या प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ और इंग्लिश उर्दू वाले कहें ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम पर जिम्मेदारी है अपनी जानों की तुम पर अपने जानों की लिखने के बदले तुम पर जिम्मेदारी है अपनी जानों की ला यानी अपनी हिफाजत करने की ला या दुर रुकुमन दुम ला या दुर रुकुम नॉट कैन हार्म यू जबकि तुम हिदायत पर हो नहीं वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है जो कोई गुमराह हो जाए जबकि तुम हिदायत पर हो ठीक है तो अगर आप हिदायत पे हैं तो आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो खुद गुमराह हो गए इला मर्जे जमीआ

नून बा अलिफ आप सबको मालूम है इसका मतलब है नबा यानी खबर देना देन ही विल इन्फॉर्म यू बीमा कुन तुम तामलून ऑफ व्हाट यू यूज टू डू और वो तुम्हें बता देगा जो कुछ के तुम करते रहे थे यानी इस दुनिया में जो कुछ कर रहे हो वो आखरत में बता देगा तो इस आया में अल्लाह ताला इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि बिलीवर्स जो हैं जो मुसलमान हैं जो मोमिन हैं उनका ग्रुप जो है वो एक यूनिक ग्रुप है एक सेपरेट ग्रुप है और वो डिस्टिंग्विश्ड है विथ सर्टेन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस हमारी जो ड्यूटीज हैं हमारी जो ऑब्लिगेशंस है हमारे जो फ़रदे हैं वो हमें फुलफिल करने हैं और ये ये भी हमारे लिए डिफाइन कर रही है ये आयत के हमें जब कोई हमें दूसरे लोगों के साथ कैसा रवैया कैसा एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए व्हाट एटीट्यूड वी शुड अडॉप्ट दूसरे लोगों के साथ ठीक है ये आयत हमें ये भी बता रही है कि हमें किसी और से कोई रिवॉर्ड एक्सेप्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है कोई होप नहीं करना एक्सेप्ट एक्सेप्ट अल्लाह एनी वन अदर देन अल्लाह यानी कि हम किसी और से अपने जजा सजा का तब, तव, तो ना करें एक्सेप्ट अल्लाह के और ये भी हमें बता रही है अल्लाह इस आयत में हमें बता रहा है अल्लाह कि हम अपने आप का ख्याल रखें वी शुड टेक केयर ऑफ अर किस तरह से क्योंकि अगर हम हिदायत पे हैं तो कैसे हिदायत पे होंगे अल्लाह कह रहे हैं अगर आप हिदायत पे हैं अगर आप हिदायत पे हैं तो आप दूसरों की परवानी करो कि वो आपको कुछ भी कहें ठीक है दूसरों की परवाह ना करो पे स्टॉप नहीं है वो जो कुछ भी कहें आप उसकी फिक्र ना करो आप उससे डिस्ट्रेस्ड मत हो आप क्या करें आप अपने आ, सोल्स को प्योरीफाई करते रहे अपनी तो नफ्स करते रहें और अपने आप को कमिट कर लें अपने दीन के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप बस सिर्फ अपनी फिक्र करें लेकिन उस पे कोई तवज्जो ना दें जो और कोई आपको बोल रहा है अब इस किस बात पे यहाँ पर स्ट्रेस है किस बात पे एम्फेसिस है कि रादर के हम सिर्फ अपने आप में लगे रहें और हम ये सोचे कि हम ठीक ठाक हैं लेकिन फॉल्ट जो हैं जो भी कमी बेशी है जो खराबी है वो दूसरों में है तो हम अगर दूसरों को देखने में शुरू देखना शुरू कर देंगे दूसरों के फॉल्ट निकालना शुरू कर देंगे तो हम ये अपने ऊपर अपने एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे अपने कॉन्डक्ट को नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारा टाइम सब इसी में निकला इसने ये किया उसने वो किया उसने क्यों किया इसने कैसे किया ये सब चीजें करने के बदले हम ये सोचें कि हमारा क्या कॉन्डक्ट है हम अपने आप पे अपने कॉन्डक्ट की हिफाजत करें अपने किरदार की हिफाजत करें अगर हम अल्लाह के अत गुजार हैं अगर हम अल्लाह के फरम

ऑब्लीगेशन फुलफिल कर ली हमने अपने फराइज पूरे कर ली ये तमाम हमारी ऑब्लीगेशन है तो अल्लाह तला हमको अश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर अगर दूसरे लोग जो है जो गुमराही में है जो कि गुमराहि में है या मॉरल करप्शन में है तो उनकी गुमराहि या उनका करप्शन हमें नुकसान नहीं दे हम अपनी हिफाजत करें कि हम क्या कर रहे हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते अल्लाह ताला कह रहे हैं वो जर नहीं पहुंचा सकते वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते अच्छा क्या इसका मतलब ये है कि बस हम सिर्फ अपना सोचें अपनी सेलवेशन सोचें और बाकियों से अनकंसर्न हो जाए नहीं ये नहीं अभी मैंने आपको बताया वी शुड बी कंसर्न अबाउट देम वी शुड बी कंसर्न अबाउट दी कम्युनिटी हम उनको बुराई से रोके हम अच्छाई की तरफ बुलाएं तो इसमें अबू बकर ने बड़ी खूबसूरत से बात की है इसमें आया नंबर वन वन ओ फाइव के बारे में इस आयत के बारे में अपने खुदबे में उन्होंने कहा था कि आप लोग इस आयत को पढ़ते हैं लेकिन आपको जो इंटरप्रेट करते हैं वो आप गलत करते हैं अपने लोगों से कहा अपने सामने खुतबे में कहा आप लोग इस आयत को पढ़ते तो हैं लेकिन आप इसको इंटरप्रेट गलत करते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब लोग करप्शन देखते हैं जब लोगों को बुराई की तरफ देखते हैं और वो उनको नहीं बदल की कोशिश करते हैं जब वो देखते हैं कि कि कोई जुल्म जुल्म कर रहा है, है। उसको नहीं नहीं रोकते हैं जुल्म करने से, तो फिर ये कुछ अल्लाह ताला सबको पनिश करेगा और सबको पकड़ेगा जब हम एक माशरा ऐसा बन जाएगा एक सोसाइटी ऐसी बन जाएगी कि हम हम खुद भी उसमें रंगे जा रहे हैं या हम खुद अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन दूसरों को देख रहे हैं और उनको नहीं रोक रहे हैं रोकने का तरीका भी अल्लाह ताला ने बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने बताया किस तरह से रोकना तो फिर अबू बकर ताला आगे कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो ऐसी पनिशमेंट भेजेगा कुछ बईद नहीं है कि अल्लाह ताला ऐसी पनिशमेंट करे कि जिससे हम सब का हम सब का मुआवजा हो जाए हम सब उसमें पकड़े जाए और फिर आगे कह रहे बाई अल्लाह अल्लाह की कसम आपके ऊपर ये इनकम्बेंट है आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप जहां भी आप जहां भी हो सके आप अच्छाई को प्रोमोट करें अच्छाई की दावत दें और लोगों को बुराई से रोकें और अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको डोमिनेशन देगा अल्लाह अल्लाह ताला, ताला, ताला आपको गालिब करेगा किन लोगों पे जो आप लोगों में से बुरा है उन लोगों में जो वर्स्ट है बुरा भी नहीं जो वर्स्ट है जो बदतरीना उनके ऊपर अल्लाह ताला आपको गलबा देगा उनके ऊपर अल्लाह ताला आपको गालिब करेगा डोमिनेट करेगा और फिर आगे क्या है लास्ट इसका खुदबे का ये है कि वो आपको टॉर्चर करेंगे लेकिन जब आपके दे विल ग्रेटली टॉर्चर यू लेकिन जब आपके राइचियस वंस आपके जो साहले लोग हैं जो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो उनकी दुआएं भी तो उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी मतलब आपके राइस लोग सहले लोग जो होंगे जो लोगों को बुराई से रोक रहे हैं और अच्छाई की तरफ गामजन कर रहे हैं उनको उनको बुला रहे हैं उनको इन्वाइट कर रहे हैं तो फिर उन लोगों के जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं उनकी जो दुआएं हैं वो आंसर नहीं होंगी तो अल्लाह ताला यही हमको बता रहे हैं यहाँ पर कि वो आपको हार्म नहीं कर सकते सिंपल सी बात यह आप अच्छी का अच्छे काम करते जा आपका ईमान आपका अमल आपके हाथ में है और आप दूसरों को भी बुराई से रोके नेकी की तरफ तलकीन करें, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर वो हिदायत पर नहीं है नेक्स्ट है एक नई टॉपिक स्टार्ट हो रही है नई टॉपिक क्या ये पहले भी हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं लेकिन अब थोड़ा सा इसमें थोड़ी और डिटेल आई है हमने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किया था अभी उसके बारे में थोड़ा सा वसीयत के बारे में और है या من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين لمبي آية لكن إن شاء الله إن شاء الله هم يا أيها الذين آمنوا أو يو ذوز

है तुम्हारे दरमियान अब जिस तरह मैंने कहा ना शुड बी टेकन तो उर्दू में भी आप इसको ब्रैकेट्स में लिख ले वो ब्रैकेट्स में लिखे शुड बी टेकन या ब्रैकेट्स में लिखे के का असूल। उसूल क्या है एमान वालों गवाही का उसूल क्या है तुम्हारे दरमियान तुम्हारा ऐमान वालों गवाही का उसूल है तुम्हारे दरमियान जबकि आने लगे मौत तुम में से किसी को या जबके आने लगे तुम में से किसी को मौत क्योंकि यहां मौत एंड में लिखा हुआ है तो इसलिए वर्ड फॉरवर्ड होगा जबके आने लगे तुम में से किसी को मौत किसी एक को मौत हिनल वसीयती एट द टाइम ऑफ वसिया वसिया आप सबको मालूम है मिल विल बनाना जो जो हम आ, अपना वसीयतनामा बनाते हैं उसका हिनल वसीयती एट द टाइम ऑफ मेकिंग विल इस नानी जवा अदली मिनकुम टू जस्ट मैन यानी आप ऐसे करें कि दो वसीयत के वक्त दो शख्स दीनदार हो जस्ट हो अदल वाले हो आप में से

हो तुम में से हो या गैर लोगों में से ले सकते हैं ठीक है थीके? अब क्या है अब इसकी मैं आपको बताऊंगी तफसील में इन अंतुम दौरा इफ यू अंतुम इफ यू इफ इन इफ अंतुम यू दौरब ट्रैवल फिल आउट द इन द अर्थ मुसीबत मौत एंड देन बीफॉल्स यू असाबत कुम यानी बीफॉल्स यू या स्ट्राइक्स यू मुसीबत अकेलेमिटी

तह बिसू नहुमा मिम्बादि सलाति फयुकसिमाने बिल्ला तह बिसू ना इसके रूटेटस क्या हबासिन हबासिन इसको आप कहेंगे हबसा यह बिसू हबसन हबसा यह बिसू हबसन ठीक है इसका मतलब क्या है किसी को डिटेन करना किसी को रोकना तो तह बिसू नहुमा हुमा का मतलब है दो तो डिटेन बोथ ऑफ देम मिम्बादि सलात

और युक से माने के रूट के, कसम के खाफ सीन, सीन अकसम तो इन दोनों को नमाज के बाद रोक लें और फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं उनसे क्या अल्लाह की कसम खाएं इनिर तब तुम लान तरीबा इफ यू डाउट इनिर तब तुम इफ यू डाउट अगर अब डाउट किस चीज को डाउट करें तफसीर में बताती हूँ तो इसका इनिर तब तुम के रूप टाइटस के रा या बा जैसे रैब होता है शक करना रा या बा और ये फॉर्म कौन सा है एट यर्ताब, इर सॉरी यब इबु इब अगेन तो अगर आप उनकी डाउट करते हैं किस चीज को उनकी टेस्ट मनी को तो आप उनसे कहें कि वो लिखे ला नश्तरी तमन वाला जाकुरबा ला नशतरी शीन नश्तरी के रूट लेटर्स हैं यश्तरी इश्तरा भी आप कर चुके

के, तो अगर आपको शुभ हो के, आ, आ, तो आप उनसे ये स्टेटमेंट लें कसम के हम इस कसम के इवस हम इस कसम के इवस कोई नफा नहीं लेंगे अगर चे कोई खराबदार या कोई रिश्तेदार भी हो हम कोई नफा नहीं लेंगे हम कोई मोल नहीं लेंगे और फिर ये भी वला नक तुम शहादत एंड नॉट वला एंड नॉट नक

then surely we would be from फ्राम दिन या from the sinful उर्दू में है और हम नहीं छुपाएंगे नहीं पोशीदा रखेंगे अल्लाह की गवाही को शहादत अल्लाह यानी अल्लाह तला की गवाही को अगर हम ऐसा करें इसन, अगर हम ऐसा करें तो यकीन यानी शोरली हम गुनागारों में शुमार होंगे हम गुनागार होंगे इसकी तफसर देखते हैं ये आयत हमको क्या गाइड कर रही है हमको ये बता रही उसूल बता रही है कि जब एक बंदा मरने के करीब होता है उस अप्रोचिंग द टाइम उस मतलब उसको डेथ उसको नजर आ रही है ही इज अप्रोचिंग हिज डेथ उसका टाइम ऑफ डेथ आ गया है ये देखिए हमने सूरह निसा में आपको शुरू में भी मैंने बताया था काफी डिटेल में पढ़ा था अल्लाह ताला ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत जामे तरीके से आउटलाइन किया था कि इनहेरिटेंस जो है वो किस किस को मिलेगी हमारी जो जितनी विरासत है वो किस किस को जाएगी कौन कौन हिस्सेदार होगा सब हमें मालूम है सब हमने पढ़ लिया ठीक है लेकिन क्या होता है हाँ जो कुछ हमारा है वो सब कुछ हम हमारा चला जाएगा एक्सेप्ट अगर कोई तक किसी ने वसीयत की है अप जरूरी नहीं कि हो भी हो भी सकता है उससे कम भी हो सकता है लेकिन अगर किसी ने कोई वसीयत की है अप टू वन थर्ड तो वो जो है हमारे वेल्थ की उसके बारे में वो वसीयत जरूरी है और वो वसीयत जो है उसको भी पहले उसको पूरा किया जाएगा उस वसीयत नामे के मुताबिक जिसको भी देना है, जो कि नॉन एयर का होगा जो कि वारिस होगा उसके मत... वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती दोबारा मैं रिपीट कर रही करी पहले भी बहुत दफा कर चुकी जो वारिस है उसके लिए वसीयत नहीं हो सकती जो वारिस के अलावा नॉन एयर है जो वारिस नहीं है उसके लिए वसीयत कर सकते हैं किसी के लिए भी कर सकते हैं किसी इदारे के लिए किसी इंसान के लिए किसी मस्जिद के लिए जो भी आप करना कर सकते हैं किसी जानने वाले के लिए तो वो जो नॉन एयर है उसके लिए जो वसीयत है सिर्फ वो है और उस वसीयत के लिए है कि हमें उसकी भी पहले से कर लेनी चाहिए इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी प्रॉपर्टी को इस हाल में छोड़ें पता तो नहीं है मौत अभी आती है कि कभी आती है कुछ किसी को नहीं मालूम अचानक भी आ सकती है हमें यह तो नहीं पता कि हम बीमारों के मरेंगे कहाँ मरेंगे तो इसीलिए पहले से ऐसा ऐसी एक वसीयत होनी चाहिए और ऐसी प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए कि जिससे हमारे जो वारिस हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए तो सपोज के कि किसी ने विल नहीं तैयार किया था अब ये आयत उसके मुतालिक है ठीक है कि हमने हमें हुक्म दिया कि वसीयत तैयार कर लो लेकिन सपोज के उस वक्त वसीयत हमने नहीं दिया तैयार किया था और हमें मौत आ गई या मौत आ रही है हमें नजर आ रहा है तो ऐसे वक्त में उस हीन उस वक्त ऐसा करना चाहिए दो मुसलमान विटनेसेस को आप बुलाएं मुसलमान हो विटनेस हो और अच्छे किरदार के ऑनेस्ट हो, हो इंटेग्रिटी वाले आदिल हो आदिल हो ईमानदार हो ठीक है उन लोगों को बुलाएं तो दीज पीपल मस्ट बी आदिल दे मे बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको दे शुड बी राइशियस साले हों ट्रस्ट वर्दी हों जिनपे हम ट्रस्ट कर सकें ताकि वो चीट ना करें हमें हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को या हमारे लोगों को चीट ना करें वो तो ऐसे लोगों को आप दो लोगों को बुलाएं जिनको आप अपना वसीयत नामा लिखवाएं या मरते वक्त आपके हाथ में कुछ चीज़ है वो आप उनके हवाले कर दें कि भाई मैं अब ये जेवर है ये कपड़ा है जो भी ये पैसे हैं जो भी हैं ये चीजें आप उसके हवाले कर दें कि ये फला तक पहुँचा दो तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर दो मुसलमान मुसलमान लोग अवेलेबल नहीं है उस वक्त अगर वो नहीं है उस वक्त या उस जगह पे या तो वो बंदा ट्रैवल दौर तो, आप ट्रैवल कर रहे हो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो यानी कि आप कहीं भी हैं जहाँ आप अपने मुल्क में नहीं अपने शहर में नहीं अपने घर में नहीं अपने गांव में नहीं जहां भी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे आपको दो मुसलमान जस्ट लोग अगर नहीं मिले तो फिर आप क्या करेंगे आप फिर दो नॉन मुस्लिम्स को भी ले सकते हैं देखिए कि उनका किरदार अच्छा है, है वो अच्छे हैं। मतलब में है कि मुसलमान अवेलेबल नहीं हो वरना आपने, आपने मुसलमान अवेलेबल है तो आप नॉन मुस्लिम को नहीं ले सकते हैं, अपनी मर्जी से ये हुक्म है अल्लाह का अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप दो नॉन मुस्लिम्स को भी ले सकते हैं फिर अल्लाह तहबिस आप उन लोगों को अगर मुस्लिम कम्युनिटी को मुस्लिम कम्युनिटी को या जो फैमिली है जिसकी जिसमें डेथ हुई है अगर उनके पास कोई ऐसा रीजन है कोई ऐसा ऐसा ऐसी वजह है जिससे वो सस्पेक्ट कर रहे हैं डाउट कर रहे हैं जिसमें उनके दिल में शक है कि ये विटनेस जो है ये विटनेसेस जो है ये अनफेथफुल रहेंगे अपने ट्रस्ट के लिए या अनफेथफुल हैं अपने ट्रस्ट के लिए तो फिर उनको क्या करना चाहिए फिर उनको उन विटनेसेस को बुलाना चाहिए नमाज के बाद और उनसे कहना चाहिए कि आप कसम खाएं ठीक है जो हमने अभी वर्ड फॉर वर्ड में पढ़ी क़सिमानी उन दोनों को आप कहेंगे कि आप कसम खाएं शहादत अल्लाह के आप अल्लाह के नाम की कसम खाएं कि आप कोई भी गेन नहीं लेंगे आप कोई नफा नहीं लेंगे इसके बदले में कोई आप के, कोई भी आप फायदा नहीं उठाएंगे ना अपने लिए ना किसी और के लिए अग, इवन अगर कोई क्लोज रिलेटिव हो और वो किसी चीज को छुपाएंगे नहीं जो कुछ उनको दिया गया किसी चीज को न तुम शहादा उसके आप इसको किसी चीज को छुपाएंगे नहीं जो आपको कंसील नहीं करेंगे जो आपको एंट्रस्ट किया गया मतलब है कि अल्लाह ताला के नाम की आप कसम लिखा के नाम की आप कसम खाके अल्लाह तला ने आपको इसके लिए विटनेस बनाया जब आप अल्लाह के नाम की कसम खाते हैं उसका मतलब अल्लाह ने आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया अल्लाह ने आपके जिम्मे ये जिम्मेदारी डाली है ठीक है इस दिस इज क्लियर तो इसके बाद ये कि अगर उन्होंने उन टेस्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया उनको गलत कर दिया उनको चेंज कर दिया या उनको छुपा लिया तो फिर क्या है उनको अपनी कसम में ये कहना पड़ेगा कि अगर हम ये करेंगे तो वी विल बी फ्रॉम अमंग द सिनर्स हम सिंफुल होंगे हम गुनाहगारों में से होंगे जब वो ये कसम खा लेंगे तो फिर उनकी टेस्ट जो क्या है उसको अप्रूव कर ली जाएगी उनकी शहादत जो है कहेंगे ठीक है हम इसको हम इनको अपना विटनेसेस मानते हैं لكن پھر کیا ہو سکتا ہے فَإِنْ عَلَىٰ انهما استحقا اسما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الْأَوْلَيَانِ يعني فيقسمان بالله لَشَهَادَتُنَا احق من شهادتهما وما انا اذا لمن الظالمين اگیا اب ایک اور यानी के उस का मतलब है कि कुछ आसार ऐसे नजर आए कुछ ऐसा मालूम हुआ कुछ ऐसा डिस्कवर हुआ फ इन ओ देन इफ इट इज डिस्कवर्ड आला के अबाउट अबाउट टू उन दोनों के मुतालिक के इस तहका इसमन के वो दोनों जो है वो गिल्टी हैं सिंक के इस तहका यस तहको इस तहकुन इस तहका यस तहको कौन सा फॉर्म है फॉर्म टेन

उन दो के ऊपर ये आने और ऐने और ये सब जो लाइन है ये सब आ रहा है ना ये टू का है सीखा पूरा डुअल का है इसीलिए उन दो के मुताल कहा जा रहा है तो ये पहले तो शर्त ये है शर्त यह था कि अगर आपको ये आपको ये मालूम हो जाए कि इनमें से किसी ने कोई गिल्टी है सिन का तो जवा इसका जवाब वो शर्त यह फ आखरानी तो आप दो को ले उनके बदले इसका उर्दू में है तो दो अगर आपको शक हो जाए तो आप क्या करें तो दो और लोग उनकी जगह पर खड़े हों दो और लोग उनकी जगह पर खड़े हों उन लोगों में से जिनकी हक तल्फी की है इन पहले दो लोगों ने लयाने, इन पहले दो, दो लोगों ने जिनकी हक तलफी की है उसके बदले उन लोगों में से जिनकी हक तलफी हुई है दो लोग खड़े हो जाए फयुकान बिल्ला एंड लेट ना शहादतना वो कहेंगे उनसे ये कसम दिया जाए श्योरली आवर टेस्ट मनी ट्रुअर

बरहक है ज्यादा बरहक है इन दोनों की गवाही से और फिर आगे वह मा तदना एंड नॉट वी हैव ट्रांसग्रेस इन ना इफ इन ना इजन

तो अब उर्दू में है और हमने कोई ज्यादा नहीं की है पहले वो कसम लेंगे कि हम जो है हमारा हमारी जो गवाही है वो ये पिछले में था कि हमारी हमारी गवाही जो है वो ज्यादा बरख है इन दोनों की गवाही से अब जो है और हमने कोई ज्यादा नहीं की हम हद से नहीं गुजरे अगर हम अ, अगर ऐसा हो तो यकीन अगर हम ऐसा करें तो यकीन हम झालिमों में से होंगे ये इन दोनों की टेस्ट मैंने जो बाद में दिया तो दो लोगों ने पहले कसम खाई है ये दो लोग बाद में कसम खा रहे हैं अब इन दोनों के मुतालिक तफसीर में क्या है अगर ये डिस्कवर हो जाए अगर ये मालूम हो जाए कि जो विटनेसेस थे जिनसे आपने पहले कस्मे ली लेकिन उन्होंने कोई गड़बड़ की है उन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रीच किया उन्होंने आपको धोखा दिया उन्होंने चीट किया है उन्होंने फॉल्स टेस्टिमनी दिया के अंदर, तो फिर एक नया प्रोसीजर होगा वो कौन सा प्रोसीजर है अब ये दो लोग उनके बदले आएंगे ये दो लोग कौन होंगे ये उन लोगों में से होंगे जिन्होंने सफर किया जिनका हक मारा गया है जो मुस्तक थे और उनका हक मारा गया है तो उसका मतलब क्या है ये वारिसों में के वारिसों में से होंगे यानी दे आर द क्लोजेस्ट एयर्स ऑफ द जो जो कि डिस हो चुके हैं उसके ये बहुत करीबी रिश्तेदार होंगे या तो उनके वारिस होंगे या वारिस नहीं होंगे लेकिन क्लोजेस्ट एयर्स होंगे क्योंकि एयर्स ही हो सकते हैं अगर उनको कोई धोखा मिला है कोई उनको उनके उनको सफर करना पड़ा है किसी गलत टेस्ट मिलने की वजह से तो ये दो अब उठ खड़े होंगे और ये कसम खाएंगे ये कहेंगे कि हमारी कसम जो है हम दोनों की कसम जो है उन दोनों की कसम से ज्यादा बरहक है यानी वो कहेंगे कि हम कोई इनजस्टिस नहीं करेंगे हम कोई इमोरिटी नहीं करेंगे हम हद से नहीं गुजरेंगे ना हम गुजरे हैं ना हम गुजरेंगे लेकिन अगर हम हद से गुजर गए तो हम जालिमों में से होंगे तो जब ये दो लोग टेस्टमनी दे देंगे जो कि करीबी रिश्तेदार हैं तो फिर क्या होगा जो पहले दो का जो स्टेटमेंट था जो उन्होंने कसम खाई थी उसको नल एंड एनवॉइड कर दिया जाएगा उन्होंने जो कुछ किया था उसको खत्म कर दिया जाएगा और जो दो नए लोग जिन्होंने अब इन्होंने गवाही दी है या कसम खाए उन दोनों की स को अपहेल्ट किया जाएगा ठीक है तो ये प्रोसीजर्स जो है ये बहुत जरूरी हैं ताकि विटनेसेस जो हैं, वो अपनी ट्रू टेस्टिमनी दे सके पहले वालों ने कहा कि हम गुनागारों में से होंगे और इन लोगों ने कहा कि हम मों में से होंगे क्योंकि जब ये जो विटनेस कोई भी जब विटनेस देगा दो लोग देगा शहादत देंगे पहले वाले या आखिरी वाले उन सब के लिए जरूरी है कि वो अपनी टेस्ट मनी पर कायम रहें बरहक दें कायम रहें ताकि उनकी टेस्ट उनकी टेस्ट मनी को उनकी शहादत को उनकी गवाही को रिजेक्ट ना कर दिया जाए ठीक है फिर अल्लाह तेलिक अदना जालिक अदना तो बी शहादती अला او يخافوا أن أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं ذلك that is أدنى that is closer أن يأتوا بشهادة على وجهها that they أن يأتوا they that they come with or they give بشهادة the testimony their their oath किस तरह दे على وجهها in its face value वज का मतलब क्या है? वज का मतलब है फेस तो फेस वैल्यू फेस वैल्यू पे यानी जो अपेरेंट चीज है जो उस पे हम वो उसके ट्रू फॉर्म में ट्रू जो उसकी वैल्यू है फेस वैल्यू है वो उस पे टेस्टमनी दे सो अल्लाह तला क्या करें अगेन आई रिपीट इन इंग्लिश दैट इज क्लोजर

हो उसकी फेस वैल्यू जो वो कह रहे हैं उस वैल्यू पे वो जाएंगे ठीक है ना तो जब दोनों विटनेसेस हैं जब दोनों विटनेसेस को पता चल जाएगा जब उनको उनको पता है कि डिसीज के साइड के जो कि उसकी साइड से भी लोग आके और हमारे अगेंस्ट विटनेस कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट टेस्ट मनी दे सकते हैं अब ये पहले विटनेसेस की बात है दो फॉर्मर विटनेसेस जो थे पहले वाले उनके बारे में बात हो रही है कि जब उनको पता चल उनको मालूम है ये रूल्स ये रूल्स अल्लाह ने इसलिए डाले प्लेस पे और इसीलिए कुरान में डाल दिए बाज लोग कहते हैं ना कुरान में तो नहीं है हर चीज में कहते कुरान में कुरान में क्लियर क्लियर है कि जब वो दोनों हलफ उठाते हैं जब वो टेस्ट मनी देते हैं जब वो शहादत देते हैं अल्लाह के नाम की गवाही देकर और वो कहते हैं कि हम चीट नहीं करेंगे उसके बाद उनको ये डर होता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे हमारे अगेंस्ट दो लोग और भी आ सकते हैं करीबी रिश्तेदार जो वो आ सकते हैं और वो जो है वो वो हमारे अगेंस्ट शहादत दे सकते हैं तो वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा को डर लगेगा वो कम, दे विल कम्पेल्ड के वो सही बोले वो यॉफ या हो यानी कि वो डरेंगे कि वो सही बात बोले तो ताला कह रहे हैं कि ये आया में रिमाइंडर दे रहे हैं। हम सबको मुझे आपको कुल मोमिन मुस्लि, मुस्लिम को मोमिन मोमिनत मुस्लिम मुस्लिम को कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करें बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह अल्लाह को सुने और अल्लाह कोबे करें सुनने का मतलब ये नहीं बस सुन लें पढ़ लें उसका मतलब है उस पर अमल करें और हमें ये भी किया जा रहा है अल्लाह तह रहे हैं कि वह दिल फासकों को हिदायत नहीं करता जो लोग फासकिन है जो कि डिफाइंटली डिसोबीडियंट है जो रिबेलियस है अल्लाह तला उनको हिदायत नहीं देता फिर एक टॉपिक आ रही है कि अब इसमें थोड़ा अब वो कसम की बात खत्म हो गई अब एक नई टॉपिक आ रही है يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا لنا إنك أنت علام الغيوب अब ये है योमा योमा का क्या मतलब है the day. कौन था योमा का मतलब होता है दिन. लेकिन इस वक्त किस दिन की बात हो रही गैदर अल्लाह योमा यजमादर अल द मैसेंजर्स यानी प्रोफ़ेट्स एंड मैसेंजर्स को अल्लाह गैदर करेंगे उनको जमा करेंगे जिस दिन जमा करेगा अल्लाह रसूलों को और फिर क्या होगा फयाकूलू माजा उजिब तुम एंड देन ही विल से अल्लाह ताला कहेंगे उन रसूलों से माजा माजा उजिब व्हाट वाज़ द रिस्पांस टू यू

अब यहां पर पास्टन से क्वालू देसेड लेकिन ये आपको पता है ये, ये जियो में, जीव में की बात हो रही है जजमेंट डे की बात हो रही है तो उस वक्त तो दे विल से होगा ना लेकिन अल्लाह ताला जो बात हमको बताते हैं कुरान में उसके साथ जो गैब के बारे में है जो फ्यूचर के बारे में उसमें क्या लिखा होता है उसमें पास लिखा होता है पास क्यों लिखा होता है इसलिए लिखा होता है कि एज इफ दिस इज डन इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती देखिए फ्यूचर की बातों में फिर भी हम लोग कहते हैं ना ये हो सकता है लेकिन जब हम कहते हैं इसने कहा तो वो तो एक हो गई वो हो चुका है तो अल्लाह की नजर में जो बात अल्लाह हमको बता रहे हैं वो ऑलरेडी पक्की बात है वो कन्फर्म्ड है तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं दे सेट का मतलब है दे विल से हम इसको कहेंगे ला इल्म लना नो नॉलेज वी हैव ला इल्म नो नॉलेज लना वी हैव वी हैव नो नॉलेज इन्नका इंडीड यू अंतल अंत अल्लामुल गयूब यू आर द ऑल नोअर ऑफ द अनसीन अल्लामुल गयूब यू आर ऑल नोइंग यू आर ऑल नोअर ऑफ द गैब यानी यानी अनसीन यानी कि दे विल से वो कहेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं है आप ही बेहतर जानने वाले हैं गैब की बातों का आप ही बेहतर जानने वाले हैं गैब की बातों का ये कौन जवाब देंगे रसूल जवाब देंगे रसूलों से पूछा जाएगा कि आपने जब लोगों को दावत दी तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया तो वो कहेंगे आप ही बेहतर जानते हैं हमें नहीं मालूम अगेन अब तफसीर में जाते हैं योमा जैसे मैंने आपको बताया योमा का मतलब है द डे ऑफ जजमेंट तो उस दिन अल्लाह ताला तमाम ह्यूमन बींग्स को जो कि जब शुरू से यानी आदम की वक्त से लेके और जब आखिरी बंदा जो इस दुनिया पे होगा जो फौत होगा उस वक्त तक की जो जो जितने भी इंसान आए उन सबको मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है सबको जमा करेगा जमा उनको सबको जमा करेंगे और ताकि वो अपने अमाल का हिसाब दे सके वो अपने अमाल का हिसाब इसीलिए उसको यौम हशर कहते हैं यानी सब जमा किए जाएंगे तो जब उस योम हशर पे सब जमा किए जाएंगे तो सबसे सवाल होंगे सवालत सबसे पहले किससे स्टार्ट होंगे मैसेंजर्स से और प्रॉफिट से स्टार्ट होंगे रसूलों से और अंबिया से स्टार्ट होंगे हमें मालूम है कि डिफरेंट मैसेंजर्स थे हलत शुरू से आदम सलाम के ज़माने से लेकिन एंड तक नबी सला के ज़माने तक कितने मैसेंजर्स आए कितनों ने अपने अपने पैगाम दिए डिफरेंट टाइमिंग्स पे आए डिफरेंट जगहों पे आए डिफरेंट लोगों के पास आए डिफरेंट नेशनस में आए हर एक ने अपने शहर में अपने विलेज में अपने नेशन में अपने डिफरेंट रेसेस में मतलब अपनी जहां भी वो रहते थे वहां उन्होंने सेम मैसेज को प्रीच किया उन्होंने सेम मैसेज जो अल्लाह का मैसेज था तोहद का मैसेज था वो लोगों तक पहुँचाया अपनी अपनी कम्यूनिटीज तक और हम सबको मालूम है कि आखिरी मैसेंजर थे नबी सल अल्लाम थे अब अल्लाह ताली उन सब को जमा करेंगे पहले दिन से आखिरी दिन तक के भी और तमाम मैसेजर्स को भी लोगों को भी और रसूलों को भी मैसेंजर्स को भी वो भी उन सबको जमा करके अल्लाह ताला कहेंगे कि लोगों ने आपको किस तरह से रिस्पोंड किया लोगों ने आपकी दावत का क्या जवाब दिया जब आपने उनको इनवाइट किया जब आपने उनको तबलीग की जब आपने उनको बुलाया इस दीन की तरफ अल्लाह की तरफ तो लोगों ने कैसे रिएक्ट किया क्या उन्होंने वो आपकी बात मानी क्या उन्होंने रिस्पोंड पॉजिटिवली किया या के उन्होंने ना किया उन्होंने नेगेटिवली किया और आपके जो पैगाम था उसको अपोज किया उसके खिलाफ किया दो चीजें हो सकती है ना कि एक चीज उन्होंने आपकी बात मानी और उस पर अमल किया जो आपने उनको कहा था और दूसरी बात ये कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और उसकी खिलाफ वर्जी की अब दोनों में से क्या है अब इस इंटरोगेशन को आप इमेजिन करें अपने जहन में डालें क्योंकि जब हम इस बात को इमेजिन करते हैं तो हमें उसकी नौत समझ आती है सारी दुनिया के लोग तमाम दुनिया के लोग इसमें सब लोग आ जाएंगे जिनको सालों साल के लोग होंगे सेंचुरीज के लोग होंगे ये सब सब अल्लाह के सामने खड़े हैं और हर नेशन जो है हर पीपल जो है जितने भी लोग हैं फेस टू फेस आमने सामने अपने मैसेजर के खड़े में जिस मैसेंजर ने जिस नबी ने जिस पैगंबर ने उनको जो सबक दिया जो पैगाम दिया जो उनके सामने मैसेज रखा वो, वो लोग उनके सामने खड़े हैं और वो पैगंबर भी उनके सामने खड़े इमेजिन करें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए हैं अल्लाह हमसे सवाल पूछ रहे हैं और उसमें सिर्फ हम नहीं है उसमें डिसबिलीवर्स भी हैं कुफार भी हैं और हर मैसेंजर जो है वो अकाउंट दे रहा है कि उसकी कौम ने उसके लोगों ने उसकी कम्युनिटी ने उसको क्या जवाब दिया उनको क्या जवाब दिया उनको क्या जवाब दिया था लेकिन उस वक्त क्या कहेंगे मैसेंजर्स मैसेंजर्स ये नहीं कहेंगे इसने डिनाई किया उसने डिनाई किया क्योंकि अल्लाह को तो सब मालूम है तो वो सामने से कहेंगे वी हैव हैव नो नो नॉलेज नॉलेज वी और फिर कहते हैं इन्ना का अंत है आप ही है जिसको सब कुछ मालूम है क्यों क्यों ये जवाब देंगे उनको जिन लोगों ने देखे अगर को ये जो ये सब जो मैसेजर्स थे जितने पैगंबर थे जितने रसूल थे ये फरिश्ते तो नहीं थे ना ये तो ह्यूमन बींग्स थे ये तो ह्यूमन बींग्स थे ह्यूमन बींग्स जिसमें से अल्लाह ने चूज किए अपने नबी और अपने रसूल तो उनको ये मालूम था कि अपने सेंसेस से कि भाई हाँ ये बंदा है ये मुसलमान ये बंदी आई ये मुसलमान भी अपने सेंसेस से जो वो देख रहे हैं जो वो सुन रहे हैं जो वो महसूस कर रहे हैं वो उनको मालूम था लेकिन इसके बाद जो कुछ भी था वट ले बियॉन्ड इट वो तो उनको नहीं मालूम था उन्होंने लोगों को गाइडेंस पे बुलाया कुछ लोगों ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया कुछ लोग जो है वो फिर गए लेकिन फिर भी अगर जिसने पॉजिटिवली जो फिर गए वो तो उनको समझ आ गई इन्होंने नहीं माना लेकिन जो जिन्होंने रिस्पोंड किया जिन्होंने कहा हाँ हम ईमान लाए हैं आपके ऊपर जो अल्लाह के ऊपर तमाम और हम 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 अमल करेंगे उनके बारे में इनको फुल ट्रूथ तो नहीं मालूम है ना उनको सिर्फ अपेरेंटली मालूम है फेस वैल्यू पर इन्होंने कहा उनके अंदर की इंटेंशन क्या है वो क्या कर रहे हैं किस नियत से कर रहे हैं वो तो नहीं मालूम ना उनको इसीलिए वो कहते हैं कि या अल्लाह ये देखें मैसेंजर्स की कितना मॉडेस्टी कितना उनका हम्बल तरीका है कि वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम हमने तो दावत दी थी हमारे सामने तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था लेकिन जो कंप्लीट ट्रूथ है जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है जो फुल ट्रूथ है जो बिल्कुल हक है वो हमें नहीं मालूम हमें नहीं मालूम वो आप ही को मालूम है क्योंकि आप ही को गैब का हाँ मालूम है आप अंत अमामूब आप ही अल्लामूब है आप ही को अंसिन के बारे में मालूम है इसी तरह देखें एक इसके मिलता जुलता पॉइंट है इसे इस इसमें इस, इस अलामूब का मतलब ये कि गैब का हाल देखिए जब गैब का हाल उनको मालूम नहीं है किसी का अपने सामने वाले का भी नहीं पता जिसने आपके सामने कसम खा ली कि हाँ भाई मैं ला, उसका भी इनको मालूम नहीं है कि इंटेंशन किया था तो फिर फ्यूचर का कैसे मालूम हो सकता है ये मैं सिर्फ साइड पॉइंट बता रही हूं कि जब हम किसी को देखते हैं किसी नजूमी को देखते हैं किसी पामिस्ट को देखते हैं किसी फ्यूचर का हाल बताने वाले को किसी जो आपकी एस्ट्रोलॉजी देख के और आपके स्टार्स देख के और हॉरोस्कोप देख कर आपको बता रहे आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा आपका ये दिन कैसा रहेगा आपकी बिजनेस कैसे चलेगी आपकी जिंदगी

स्टेटमेंट को डिनाय कर रहे होते हैं वो कुफर कर रहे होते हैं ऐसे लोग जो कह रहे होते हैं कि हमें गैब का हाल मालूम है चलें अब आया नंबर वन टेन आज का मेरा टारगेट यही है कि वन टेन हो जाएगी लंबी आए थे लेकिन इंशाल्लाह लेट्स डू इट इस قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم Sorry. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموت باذني وإذ كففت بني إسرائيل أَنْكَ إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ قال الله when said اللَّهُ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس کی بات ہو رہی ہے.

दाल यानी मदद करना अभी हम कहते हैं किसी की मदद करना किसी को सपोर्ट करना तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वहां पर बोलेंगे ईसा को कि याद करो उस पेवर को याद करो उस नेमत को जो कि मैंने आप पे किया और आपकी वालदा पे किया जब मैंने मदद की आपकी वेन स्ट्रेंथन यू या हेल्प यू विद द बिरूहिल कुदुस विद द होली स्पिरिट जब मैंने आप पे और आपकी वाल्दा पे नेमत की और आपके जबकि मैंने आपकी मदद की रुहुल कुदस से यानी मैंने तो मदद की लेकिन किसके थ्रू की मैंने तो अयतुकया मैंने की मदद ठीक है माय फेवर अपॉन यू और मैंने की व्हेन स्ट्रेंथेन्ड व्हेन आई स्ट्रेंथेन्ड यू विद द होली स्पिरिट तुकल्लिमु الناس फिल महदी व कहला तुकल्लिम यू स्पोक कल्लामा यू कल्लिमु तकलीमा अगेन ये फॉर्म टू है

किसी चीज को बनाना क्रिएटर तो अल्लाह ही है ना लेकिन नब उस कहा जा रहा है यही वर्ड यूज हो रहा है कि जब तुमने आपने तखलीक की आपने बनाई किस चीज की क्ले से एक मट्टी से मिना, मिना तीन, या फ्रॉम क्ले कहे 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 का मतलब है लाइक द शेप लाइक द फिगर लाइक दर ऑफ अ बर्ड बी इज नी विद माई परमिशन फिर से सुन विद परमिशन एंड लेंशन ईसा को अल्लाह कह रहे हैं यू मेड फ्रॉम क्ले लाइक द शेप या लाइक द फॉर्म ऑफ अ बर्ड विद माई परमिशन और जब आपने मिट्टी का जानवर बनाए बनाते मेरे हुक्म से और जब आप मिट्टी का जानवर बनाते मेरे हुक्म से या बनाया मेरे हुक्म से फुफिया देन यू वुड यानी उसके अंदर आपने ब्रीथ करते थे उसके ऊपर आप फूक मारते थे फी हा इन इट फतेम बी इजनी तो देन यू वुड ब्रीद्लो इन टू इट सो इट वुड फतकूनो इट वुड बिकम तो अ बर्ड बी इजनी विद माई परमिशन समझ में आई और जब आप उसमें फूक मारते थे तो वो परिंदा बन जाता था मेरे हुक्म से यानी पहले अपने शेप एक फॉर्म एक शेप मट्टी से उठा के एक बर्ड बनाते थे और बर्ड बना के जब आप इसमें फूकते थे तो वो मेरे हुक्म से बनाते थे और मेरे हुक्म से जो क्या वो बन जाता था क्या एक परिंदा मतलब उड़ता चलता फिरता उड़ता परिंदा बरी, उल अब जब किसी बरी हो जाना है। अब युब लेकिन फौर है। अब रुबरी अब रॉन ये फॉर्म फोर है यानी किसी किसी को किसी चीज से निजात दिलाना उससे बरी कर देना निजात दिलाना उसको ठीक कर देना उसको हील कर देना ठीक है तो वतुब्रियोल अकमह अकमह क्या चीज होता है जो आ, जो जो मादर जाद अंधा होता है हु इज बोर्न ब्लाइंड हु इज बोर्न ब्लाइंड यानी पहले से वो पैदाइशी या मादर जाद अंधा हो देख नहीं सकता हो यू वुड हील तो तुब्रियो यू यू विल हील द द बोर्न ब्लाइंड व अब रसा एंड द लेपर लेपर क्या चीज है यानी जिसको कोड़ का मगज हो, कोड़ी जिसको कहते हैं कोड़ी कोड़ी यानी जिसको कोड़ का मगज हो, जिसके वो जिसम पे सब वो दाग दाग हो जाते हैं उसका उसकी स्किन ऐसी हो जाती है तो एंड यू वुड हील द बॉन्ड ब्लाइंड एंड द लेपर यानी जो कोडी का मर्स है बी इज नी अगेन ये देखें बी इज नी विद माई परमिशन और आप अच्छा करते थे मादरजात अंधे को या पैदाइशी अंधे को और कोड़ी को मेरे हुक्म से इस तुख रिज एंड आप निकालते थे आप खारिज करते थे आप निकालते थे खाजी जैसा खराजा या खरुजु एंड यू वुड ब्रिंग फोर्थ अलमाउता द डेड जो मरे हुए लोग होते थे उनको द डेड बी इज नी विद माई परमिशन एंड वेन यू वुड फोर्थ द डेड विद माई परमिशन और जब आप निकालते थे मुर्दे को मेरे हुक्म से यानी जिंदा करके कबर में से वो उठ के जो मुर्दे होते थे वो कबर में होते थे कबर में से उठ के बाहर आ जाते थे ये ईसा सलाम के जमाने इसीलिए सब जब देखा लोगों ने तो उनके लिए जाहिर था कि ये तो बहुत बड़े बड़े मेरेकल्स हैं वह इस कफफ तो बनी इसराइल

Uh, यानी कि मैंने बनी इसराइल को रोक लिया तुमसे यानी तुमको नुकसान पहुंचाने से अनका तुम तुमसे रोक लिया इज जीत हम बिलबयनाथ वेन यू केम टू देम विथ क्लियर साइंस बिलबयनाथ विद क्लियर साइंस इज जीत तो इज जीत तो नहीं होगा इज जित जिता हम जब आप आए ज, जी तो का मतलब है मैं आया और जिता का मतलब है आप आए When you came क्यों मुझे नजर नहीं आ रहा मैंने गलत पढ़ लिया इस जिता हम बिल्बाइयनाद When you came to them with clear signs और जब मैंने रोक दिया उनके बनी इसराइल के हाथ तुमसे जब के आप आए उनके पास खुली निशानियों के साथ फकालजीना का फरुह मिन तो इन हाजा एन, से मुबीन नॉट दिस इज एक्सेप्टर मैजिक सेहरु मुबीन यानी क्लियर मैजिक या एविडेंट मैजिक तो कहा उन लोगों ने जो उनमें से काफिर थे जिन्होंने कुफर किया कि ये तो सरह जादू है क्लियर जादू है या आ, खुल्ला जादू है खुल्ले जादू के सिवा कुछ नहीं दिस इज है, इसकी तीर इन इस आयत में अल्लाह हमें ये बता रहे हैं कि ईसा के साथ वो क्यामत के दिन सब के सामने जब सब लोग मौजूद होंगे उनके सामने वो उनको क्या कहेंगे हाउ ही विल एड्रेस ईसा ऑन द डे ऑफ जजमेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी जिन्होंने उनको डिवाइन स्टेटस दिया उनके सामने भी जो कुफार थे उनके सामने भी जो जो ईसाई थे उनके सामने भी जो ईसाई उनके सामने भी जिन्होंने उनको वर्शिप किया वो भी जिन्होंने उनकी माँ के इर्द गिर्द जो कुछ भी तोहमतें लगाई उनको भी जिन्होंने इतने एग्जेजरेट किया उनके मतलब उनको भी जिन लोगों ने उनके उनके उनको एग्जेजरेटेड स्टेटस दिया है एक लेवल दिया और जिन्होंने उनकी माँ के मतलब भी बहुत बुरी बुरी बातें कही तो अल्लाह ताला ये कहेंगे उनको उनको रिमाइंड कराएंगे कि मैंने आप पे और आपकी वालदा पे मैंने क्या किया एहसान किए मेरी क्या किया नेमतें थी आप लोगों के ऊपर और मैंने किसके थ्रू आप पे वो नेमतें नाजिल की किस तरह मैंने होली स्पिरिट यानी जिब्रल हमारे लिए होली स्पिरिट सलाम ने ये, आ, हम क्रिश्चियंस का होली स्पिरिट नहीं कह रहे हम कह रहे हैं जिब्रल सलाम ने होली उनके उनका पता नहीं है क्या है उनका बहुत ही गड़बड़ है तो किस तरह मैंने आपको सपोर्ट किया होली या जिब्राइल जब्राई सलाम से आपकी इनफेंसी में जब आप एक छोटे से बच्चे थे जब आप आप झूले आप में थे घोड़े में थे आपने लोगों से बात की आपने उस वक्त भी बात की और आपने क्या बात की आपने अपने माँ की मासूमियत का अपनी माँ की चेस्टिटी का अपनी माँ की सदाकत का आपने उस वक्त भी आपने सबके सामने ऐलान किया और आपने लोगों ने जो भी सस्पेशन जो भी लोगों की तोहमतें थी इल्जाम थी उनके बारे में आपने उनको बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं अल्लाह का रसूल है और मेरी जो बर्थ है वो सबको अल्लाह को मालूम है सब लोगों को मालूम है कि अल्लाह ताला ने उनकी बर्थ जो है की थी उसके बाद फिर जब वो बड़े हो गए वो जवान हो गए उसके बाद भी अल्लाह ताला कहते हैं कि महद में भी और काहल में भी जब मैं जब आप जवान होगी तभी भी मैंने तभी भी मैंने आपकी मदद की जिब्रही के थ्रू और आपको जो मैं वही भेजता था और आप उस वही को लोगों तक पहुंचाते थे अच्छा हमें मालूम है कि अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने आपको तालीम दी मैंने आपको सिखाया किस चीज़ का सिखाया चीज के बारे में किताब के बारे में तो अल्लाह ताला ने देखें जब कोई पैदा होता है तो किसी को नहीं होती। रीडिंग, राइटिंग कुछ भी नहीं होती। लेकिन शुरू से ही मालूम हो गया किताब दी गई किताब की नॉलेज भी उनको दी गई थी और अल्लाह तकमत भी दी कैसी हिमत दी कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह बेस्ट तरीके से डील करें ईसा आई सलाम के सामने जितनी भी मुश्किल आई उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उनसे डील की और फिर अल्लाह ताला कहते हैं मैंने आपको तोरा भी सिखाई और इंजील भी सिखाई तो तोरा वो किताब थी जो बनी इसराइल को दी गई थी और इंजील वो किताब है जो कि तोरा को कंफर्म करती थी फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें कुछ मेरिकल्स कुछ फेवर्स के और के बारे में जो कि मेरिकल्स थे ये तो सब ये भी मेरिकल्स थे वो भी मेरेकल्स हैं ये तमाम फेवर्स थे तमाम अल्लाह के एहसानात तमाम अल्लाह की नहमतें थी लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी थी कि जो कोई भी ह्यूमन बींग जो है कोई

चिड़िया परिंदा उड़ना शुरू कर देती थी ये कैसे हुआ ये कैसे होता था और कैसे हो सकता है किसी को उस वक्त भी मालूम नहीं था आज भी मालूम नहीं है और आगे भी मालूम नहीं पड़ेगा कि अल्लाह ताला लाइफ को किस तरह क्रिएट करते हैं लोगों ने बड़ी कोशिश की क्लोनिंग की ये किया वो किया लेकिन फिर भी नो बडी नोस कि अल्लाह ताला लाइफ किस तरह क्रिएट करता है फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो आपने मादरजाद पैदाइशी जो जो अंधा था उसको भी आपने उसको ठीक कर दिया उसकी आंखें दे दी उसको वापस उसकी बिनाई दे दी उसको वापस लेकिन कैसे दी अल्लाह के परमिशन बी इज इस नी इसलिए मैंने कहा याद रहा है कि बी इज नी अल्लाह के परमिशन से अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी जो है वो भी किसी बॉन्ड ब्लाइंड बंदे को आंखें नहीं दे सकता है इतनी टेक्नोलॉजी वो कहते हैं नहीं ये तो बेदाइशी ब्लाइंड है इसको नहीं कर सकते जिसकी खराब हुई आंखें उसको ठीक करते हैं तो अल्लाह ताला ही है जो किसी को देखने की फैकल्टी देता है सीइंग देख के हम हम देख सकते हैं ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये आंखें दी है जिससे हम देख सकते हैं आप ये इमेजिन करें आंखें नहीं होती तो क्या होता अल्लाह ही है जो किसी ब्लाइंड पर्सन की आंखें खोल सकता है ये अल्लाह ताला ही है उन्हीं की उन्हीं की परमिशन से ये जो मादर अंधे थे वो वो देखना शुरू कर दिए ये अल्लाह ही है जो किसी को गाइडेंस की तरफ भी देखना नसीब करता है हमें मात से नूर की तरफ लेकर आता है तो इसी तरह अल्लाह तला ने क्योर किया किस चीज को ईसा सलाम के थ्रू ईसा आई सलाम जो किसी कोडी को लेपर को बगैर किसी दवाई के उसको क्योर कर देते थे आप याद रखें हम सबके लिए सबक अल्लाह की विल को एम्ब्लिश करने के लिए अल्लाह ने हमारे लिए शिफा शिफ, हमारे लिए रखी हुई है लेकिन किसके उस टूल के जरिए और ये अल्लाह की मर्जी है कि वो हमें क्योर करे या हमें ना क्योर करे ट्रीटमेंट हमने लेना है अगर अल्लाह की मर्जी है कि हम क्योर हो जाएंगे हम शिफा हो जाएंगे तो फिर हम हमें मालूम होगा कि ये मेडिकेशन हमारे लिए अल्लाह ने रखी थी और इससे हम ठीक हुए अगर सर्जरी से थी तो सर्जरी से ठीक हुई लेकिन अभी हमें कुछ नहीं मालूम हमें कुछ नहीं मालूम बिकॉज ये भी हमें सिर्फ अल्लाह को मालूम है अल्लाह किसी वक्त भी कोई भी टूल को चेंज कर सकता है किसी की सर्जरी होते होते रुक जाती है और उसके बाद वो कितने साल बगैर सर्जरी के रहते हैं किसी की सर्जरी नहीं होने वाली थी और एकदम से हो जाती है समझ रहे हैं आप मेरी बात कि अल्लाह ताला जो है अपनी उस विल को अपनी को 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 अपने इरादा करने के लिए अल्लाह ताला टूल की जरूरत नहीं है अल्लाह को टूल की जरूरत नहीं है अल्लाह अल्ला ताला तो कौन कौन फया कि ये ये हो हो और वो हो जाता है अल्लाह की जब मर्जी होती है और अल्लाह को मालूम है किसको शिफा मिलेगी किसको नहीं मिलेगी लेकिन अल्लाह ताला बता रहे ते की मेरी मर्जी से होता है ये मैं करता हूं मैंने अगर ईसा को ये दिया तो ये मैंने दिया है ये उनके पास कोई कमाल नहीं था ये मेरे कल मेरा था फिर अल्लाह ताला आगे भी बताए इस, इस तुखरिजुल तो मौत अमिन मौत अम्ब इजनी अगेन आप ये देखें कि एक मरे हुए आदमी को जिंदा करना मुर्दे जो है कब्र से उठ के बाहर आ रहे थे सिर्फ कौन कर सकता है सिर्फ अल्लाह कर सकता है ना मैं ना आप ना कोई पीर ना कोई कोई नहीं कर सकता अल्लाह की परमिशन से वही है जो लाइफ को इनिशिएट करता है जो हमें जिंदगी देता है और वही जो है हमें डेथ कॉज करता है वही हमें मौत की तरफ ले जाता है मौत के हालात कैसे बनते हैं हम अगर किसी को कत्ल करते हैं और हम सामने से कहें कि ये तो अल्लाह की मर्जी थी डेथ इसकी लिखी हुई थी दैट इज रॉन्ग क्योंकि अल्लाह ने उसकी डेथ लिखी है उस जगह पे उस वक्त पर लेकिन कैसे डेथ आएगी वो हम अपने हाथ में ले लेते हैं तो हमें उसकी सजा भुगतनी होगी तो अल्लाह ही है जो कि हमें जिंदगी देता देता है है फिर मौत देता, और फिर मौत के बाद फिर दोबारा जिंदगी देगा रिसरेक्शन होगी जब वो हमारी सेकेंड लाइफ होगी और नोट करे के हर आय के साथ अल्लाह तलाज नहीं बी इज नहीं बी इज नहीं कह रहे इसलिए बार बार मैं आपको कहती हूँ नोट करें कि इट कैन ओनली हैपन कैन ओनली हैपन विद हिज परमिशन जब लोग कहते हैं ना हमने ये कर मुजदा कर दिया आपने सुना होगा वो कहते हैं ओ फलाह बुजुर्ग है वो हवा में उड़ते थे फलाह जो है वो आ, क्या करते थे आग में आग में हाथ डाल देते फला जो है वो पता नहीं क्या क्या चीजें वो सुबह इधर होते हैं और शाम को उधर होते हैं दुनिया की एक तरफ ये सब जो है ये सब बेकार बातें हैं कुछ भी ऐसी बात नहीं है फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वे इस फाफ तो बनी इसराइल अनका यानी कि अल्लाह तला नेसा इस आल्लाम पर ये भी फेवर किया कि अल्लाह ने उनको प्रोटेक्ट किया किससे बनी इसराइल से क्योंकि जब ईसा आल्लाम ये तमाम मेरिकल्स बता रहे थे तो बनी इसराइल क्या कर रही थी उनको डिनाई कर रही थी उनको डिसबिलीव कर रही थी उनको अक्यूज कर रही थी कि ये मैजिशियन है कहते थे ये तो एक मैजिशन है वो कहते थे हाजा से मुबीन ये तो एक क्लियर मैजिक है ये तो मैजिशन है तो वो कुछ अगर वो किसी मेरिकल को डिनाई नहीं कर सकते थे क्योंकि अब उनके सामने मेरिकल हो रहा है तो लोग तो देख रहे थे ना थाउजेंड्स ऑफ पीपल देख रहे होते थे कि ये मुर्दा उठ गया ये कोड़ी कोड़ी का मर्ज जो है ये आ, ये ठीक हो गया ये बर्ड बनाया तो उसको नहीं डिनाई कर सकते थे लेकिन इतने स्टबर्न थे बनी इसराइल वाले कि वो ये कहते थे कि किसी तरह हम इस मैसेज को छुपा दे बस हम इस मैसेज को किसी तरह इग्नोर कर दे और फिर उन्होंने क्या किया जब उनसे नहीं हुआ नहीं हुआ लोगों से भी नहीं छुपा सके मेरिकल्स होते रहे फिर उन्होंने क्या किया ईसा सलाम को क्रूसीफाई करने की कोशिश की ईसा सलाम को सूली पे चला एक ही उन्होंने सूली पे सॉरी सूली पे चढ़ाने की उन्होंने उन्होंने प्लान कर लिया लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया अल्लाह ताला ने उनको प्रोटेक्ट कर लिया ईसा सलाम को चूली पर से भी उनको प्रोटेक्ट कर लिया और चूली पे कौन चढ़ा और किसकी डेथ हुई वो यहाँ पर अभी डिटेल नहीं है लेकिन अल्लाह ने नबी ईसा सलाम को प्रोटेक्ट कर लिया और वो लोग ईसा सलाम को कतल भी नहीं करते हम पढ़ चुके हैं शेद मा कतल हूँ व मा सलबू के उनको ना सलीब पर चढ़ा सके ना उनको कतल सके और उनको बल्कि उनकी शक्ल जो है रिजेंबल करती हुई किसी के वहां पर ताला ने रख दी और फिर अल्लाह ताला ने ईसा सलाम को अपनी तरफ उठा लिया इसके अलावा अल्लाह ते भी कहते हैं मैंने आपके ऊपर भी फेवर किया और आपकी वाला के ऊपर भी फेवर किया ये फेवर्स क्या थे ये फेवर्स यहाँ पर लिखे हुए नहीं है लेकिन ऑल ओवर द कुरान जो है हमें नज़र आते हैं कि मरियम अलैहि सलाम के ऊपर अल्लाह ताला की क्या फेवर थी मरियम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला हमने पढ़ा था कि मरियम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने चूज किया उनके लिए जकरिया अलैहि सलाम को चूज़ किया उनकी गार्डियनशिप के लिए आपको याद है कि अकनाम फेंके लोगों ने लॉटरीज निकालनी किसके आएगा और वो किसका नाम निकला जकरिया अलैहि सलाम जकरिया अलैहि सलाम ना सिर्फ एक एक बड़े स्कॉलर थे बल्कि ही वाज आल्सो अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह वो भी अल्लाह के नबी थे तो मरियम अलै सलाम की जो जो تربیت हुई जो उन उनकी जो परवरिश हुई किसने की ज़क़रिया अलै सलाम ने जो खुद एक नबी थे और तो मैं दूसरी बात ये मरियम अलै सलाम को अल्लाह ने चूज किया कि वो एक चेंबर में एक ऊपर एक कमरे में बैठ के तो वो अल्लाह की अकेले वर्शिप करती थी वो लोगों के सामने नहीं थी अकेली थी चैम्बर में थी वो वहां से और वहां पर कौन आता था उनके पास जिब्राइल अलैहि सलाम उनसे बात करने आते थे और उनको अल्लाह का मैसेज देते देते थे और अल्लाह ताला उनको क्या ही शी शी वाज ब्लेस्ड विद फूड अल्लाह ताला उनको फूड भेजते थे कहां से आसमान से भेजते थे और फिर उनको पता चला कि वो अभी एक बच्चा उनके उनके, उनके उनसे एक बच्चा पैदा होगा वो घबरा गई लेकिन उसके बाद वो जो मेरा बच्चा है वो उनके बतन में आ गया अल्लाह तला ने उनके लिए फिर क्या किया उनके लिए वो जब निकल के गई वो इतनी घबरा गई कि अब बच्चा पैदा होगा वो जब बाहर गई वहां पर अल्लाह ताली ने उनके लिए पानी का इंतजाम कर दिया खजूर के दरख्त का इंतजाम कर दिया उनसे कहा इसको हिलाएं जब उनको लेबर पेन्स हो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनको उनके लिए पानी और खजूर का इंतज़ाम कर दिया और फिर उसके बाद एक कोने में जाके जहाँ कोई भी नहीं था कोई भी नहीं था वहाँ उसने मरियम ने ईसा सलाम को डिलीवर किया ऑल बाय हर सैफ और बायर सैफ तो ये क्या था ये अल्लाह की मदद थी अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह ने सब कुछ उसे अकेले करना सिखाया और वो पूरी तरह पेशेंट थी पूरी तरह उनका फेथ जो था अल्लाह पे था इतने लोगों ने उन पर तहमत लगाए इल्ज़ाम लगाए लेकिन उन्होंने तमाम उनको पेशेंस से स्टेटफासनेस से उन सब को बर्दाश्त किया फिर अल्लाह ताला ने उनकी तमाम हार्डशिप जो थी उसको तमाम अच्छाई में गुडनेस में और ब्यूटी में चेंज कर दी अल्लाह ने उनको हेल्प किया अल्लाह ने उसके तमाम एक्यूजेशन को सफ़ाया कर दिया उनको बतक्लियर डिक्लेयर कर दिया अल्लाह ताला ने किस तरह डिक्लेयर किया नंबर वन तो आप ये देखें बच्चा पैदा होते ही कह रहे हैं कि मैं ये मेरी माँ है और माँ कह रही है कि इससे पूछो लोग पूछ रहे हैं कि कि ये हम सब पढ़ चुके हैं कि उनसे पूछा गया कि ये क्या किया ना आपने तो उन्होंने कहा इससे पूछा किया तो इससे क्या पूछें ये तो बच्चा है तो बच्चा सामने से कहता है कि मैं अल्लाह का सर्वेंट हूँ मैं अल्लाह का स्लेव हूँ और फिर उसने बताया कि मैं मुझे किताब दी गई गई है और ये सब और मैं नबी ये सब कुछ तो फिर अल्लाह तला ने हमने पढ़ा हमने पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि अल्लाह ने खुद टेस्टिने दी खुद टेस्टिफाई किया कि मरियम सिद्दीका

औरत से कह रहे हैं इन अल्लाह से तो आपको चूज़ किया व तोहार रखी और आपको प्योरीफाई किया आपको पाक कर दिया बस तो और आपको चूज कर दिया अलासाआलमीन तमाम दुनिया के आलमीन जितने भी आलमीन है उन सब के ऊपर अल्लाह ने आपको फोकियत दी आपको चूज कर दिया और पूरी एक सूर है कुरान में जिसका नाम सूर मरियम है ये एक ही सूर्य ऐसी है जो किसी औरत के नाम पे है और उन औरत के क्या नाम है मरियम हम कहते हैं ना कि कैसे मरियम का क्या रुतबा है She is the only woman जिनका नाम कुरान में हुआ है। बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं लेकिन नाम नहीं आए उनका आयशा इवन खदीजा इवन आसिया जिनके भी नाम हुए उन सब के भी नाम नाम नहीं आए उनका सिर्फ रेफरेंस है और इनका नाम जो है एक्सप्लिस द कुरान मैं किसका मरियम का तो जिस तरह के और ग्यारह दफा जो है उनका मेंशन हुआ है लिंक्ड टू हर सन ग्यारह दफा जो है नहीं सॉरी थर्टी फोर टाइम्स जो है मेंशन हुआ है जिसमें से ग्यारह दफा है जिसमें ईसा सलाम का जिक्र नहीं सिर्फ मरियम सलाम का जिक्र है तो एज मुस्लिम हम सब ये समझते हैं कि उनकी डिग्निटी उनकी चेस्टिटी उसके बारे में अगर कोई भी बात कर रहा है कोई भी बात कर रहा है उनको बुरा भला कह रहा है उनको ये कह रहा है कि मेरा बर्थ नहीं थी और नवूजिल्ला के जो ईसा सलाम की पैदाइश है ये किसी गलत काम का नतीजा है तो हमारे ये फर्ज बनता है कि हम मरियम की चेस्टिटी को हम भी क्लैरिफाई करें हम पूरी तरह से उनको क्लैरिफाई करें और हम उनको बताएं कि हकीकत क्या है ठीक है अलहमदुल्ला uh, खत्म हो गई अब हमारे पे सिर्फ टेन आयात रह गई हैं अब टू 10 हो गया हमारा सॉरी वन टेन हो गया हमारे द नेक्स्ट टू वीक्स हमारा ट्यूजडे और थर्सडे को हमारा पांच आयात और पांच आयात करके इनशा हम खत्म कर लेंगे तो uh, uh, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें कोई बात नहीं थोड़ा हम ऊपर चलेंगे लेंगे नवर माइंड सवाल है तो पूछ लें एनी क्वेश्चन मेरा एक सवाल है वसीयत के बारे में अगर कोई सफर पर है या घर में भी है और वहाँ मतलब मुसलमान है लेकिन वो मुसलमान जो है वो उनके किरदार सही नहीं है लेकिन वहाँ पे गैर मुस्लिम भी हैं तो क्या इनमें से फिर भी मुसलमान को ही लेना पड़ेगा या गैर मुस्लिम अगर मुसलमान मौजूद है तो आपको मुसलमान लेना होगा उसकी शर्त जो है तो जरूरी तो नहीं है कि वही दो मुसलमान है पूरी कम्युनिटी में वही दो मुसलमान थोड़ी होंगे सफर नहीं अगर सफर पर हों सफर पर हों पे कोई ना लेकिन सफर पे होने का मतलब ये कि आप कहाँ सफर कर रही है वो भी डिपेंड करता है तो आप अगर कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां आप कहीं दो लोगों को ढूंढ सकें मतलब अब ये है कि अगर आप किसी बिल्कुल बै, वीरान बेबान में है किसी गैर गैर इस्लामी मुल्क में है तो फिर मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर आप अब तो हर जगह मुसलमान तो होते ही हैं तो इसीलिए बात ये है ना इसीलिए देखें अच्छा वसीद आपने पूछा इसका जवाब ये कि आपका जो विल है वो आप लिख लें अगर कल तक नहीं लिखा तो आज लिख लें बस इसका जवाब ये आप क्यों सफर तक वेट करते हैं आपको क्या पता सफर पे जाएंगे क्या पता कब मौत आएगी विल जो है उसको तैयार कर लें और वो विल क्या है वो सिर्फ उस वन टू वन थर्ड है कोई कंफ्यूजन ना रहे मसलन किसी के घर में कोई आम, किसी की बहू है या जो के क्रिश्चियन है समझिए और उसके उसके तो उसको तो हिस्सा नहीं मिलेगा ना आपके मतलब बहू को तो वैसे भी हिस्सा नहीं मिलेगा लेकिन किसी का बेटा है जो कि है मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है ये 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 क्रिस ये, ये, ये जो है ये एपोस्टेट हो गया है, तो इसको तो है हमें नहीं मिलना चाहिए वो क्लियरली अपने उसमें आ जाना चाहिए और अपने बच्चों के लिए तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि बच्चों का तो हिस्सा ऑलरेडी है तो इसलिए उन लोगों के लिए किसी बहन के लिए भाई के लिए किसी रिश्तेदार के लिए जो आपने देना है किसी किसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को देना है मस्जिद को देना है तो असल में उनके लिए है कि आप उनके लिए अगर आप एक देते रहे समझे हम एक हमारी जो मस्जिद है उसको हम रेगुलरली देते रहे तो हमें चाहिए हम उसको बिल में लिख दें कि भाई मैं अब तक तो अपनी मस्जिद को सपोर्ट करते आई हूँ आइंदा भी प्लीज जब तक ये पैसे हैं इसमें से भी मेरी मस्जिद को दें या फला ऑर्गेनाइजेशन को दें या फलस्तीन को दें या कहीं भी दें ठीक है तो आप बेस्ट ये है कि बिल आप अभी से तैयार कर लें बजाय सोचने में कि उस वक्त मौजूद है कि नहीं मौजूद है उस वक्त के हालात भी डिफरेंट थे आपके हालात भी डिफरेंट है आप कहाँ हर जगह पे मुसलमान भी हर जगह पे हम अकेले तो जाते नहीं है तो हमारे साथ ग्रुप भी होता है उन लोगों में कोई मुसलमान होंगे और कोई सवाल और कोई सवाल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ट्यूसडे को लेकिन एक बात मुझे आपसे और मैंने आपको शायद बताया था आपसे नहीं बताया हो, तो अब बता रही हूँ कि इस संडे को इंशाल्लाह ताला हमारी हमारी मस्जिद में यानी आई आई ओ सी में स्टेट कॉलेज की मस्जिद में एक टॉक है जो कि हम तीन लोग हैं उसमें मैं हूँ और बश्रा जिबालिया और एक मुफ्तियाँ हैं उम सुफियान तो हम तीन उसमें टॉक दे रहे हैं रमज़ान के बारे में है मैं आप लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आएँ क्योंकि मुझे नहीं पता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये मेरी क्लास नहीं है वो मेरे लोग नहीं है मेरे अपने स्टूडेंट्स होते हैं मुझे पता है आप लोग मौजूद होते हैं मुझे एक ढारस मिलती है इंकरेजमेंट मिलती है मुझे लगता है मेरे अपने लोग मेरे सामने बैठे हैं वहाँ मुझे नहीं पता कौन होंगे कौन नहीं होंगे लेडीज़ के लिए है और टेन से

وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته